हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं जावेद आलम, सक्सेस मंत्रा बाय जावेद में एक नए क्लास में नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्लियर? एक बार क्या हुआ, मेरे पास एक बहुत ही सुंदर घड़ी थी। मैंने क्या किया, अपने चाचा के भाई के भतीजे के लड़के को लड़की को दे दी। अब उस लड़की ने अपने चाचा के फूफा के भाई के बहनोई के चाचा को दे दी। अब उस चाचा जी ने वो घड़ी मेरे भाई के लड़के के लड़की के चाचा के चाची के फूफा को दे दी। घड़ी किसके पास है? हुआ ना कन्फ्यूजन? तो ये सब कन्फ्यूजन मेरी क्लास में नहीं होने वाला। आए बात समझ में? ये सब कन्फ्यूजन मेरी क्लास में नहीं। अब ये सब कन्फ्यूजन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव एडवर्ब दिखने में एक तरीके से लगते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन दिमाग खराब। कहाँ प्रोनाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पे एडवर्ब है। तो आज की क्लास में ये सारा का सारा कन्फ्यूजन, डाउट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे, पूरा सफ़ेद पानी की तरह, शीशे की तरह साफ। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। तो देखो यार बच्चों, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ये हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आते हैं। ठीक है, जैसे व्हाट, विच, हु, होम एंड होज, इनको डिनोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे हमारे एडजेक्टिव में व्हाट, विच और होज आते हैं। ठीक है, इसमें हमारा सिमिलर क्या है, व्हाट हो गया हमारा, ठीक है, विच हो गया और हुज हो गया। अब पहचानेंगे कैसे, ये अलग हुआ तो अब तो पहचान लेंगे, लेकिन अगर सेम सेम आ गया तो हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, कि हमारा प्रोनाउन कौन सा है और हमारा एडजेक्टिव कौन सा है। तो बहुत ही आसान तरीके से, अगर इनके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब या फिर कोई मेन वर्ब आता है, ठीक है, अगर इस प्रोनाउन के बाद, इस जो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब इज, एम, आर, वाज, वेयर, विल, शैल, ठीक है, डू, डिड, डज, ठीक है, ये सब हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो इनके बाद अगर हमारा कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और मेन वर्ब, जो मुख्यतः जो क्रिया होती है, जो हम काम करते हैं, वही हमारा क्या होता है, मेन वर्ब होता है। तो इनके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब आता है और या इनके बाद कोई मेन वर्ब आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनके बाद कोई नाउन आ जाए, क्या आ जाए, कोई नाउन, तब क्या हो जाएगा वो, तब वो प्रोनाउन नहीं रहेगा, तब क्या हो जाएगा वो, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, व्हाट इज योर नेम, ठीक है, व्हाट इज योर नेम। अब देखो, व्हाट कलर डू यू लाइक, अब दोनों मंत्र देखिए, व्हाट इस व्हाट के बाद ये इज आया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आया, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव नहीं यार, हेल्पिंग वर्ब प्रोनाउन होगा ना। इसके बाद अगर कोई आ गया हेल्पिंग वर्ब, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन, या मेन वर्ब आता तभी प्रोनाउन होता। अब ये व्हाट है, लेकिन यहां पर कलर क्या हो गया, नाउन है, क्या है, रंग, किसी को नाम दिया गया है, नाउन हो गया ये। तो नाउन के पहले अगर कोई आ रहा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। दोनों किस पे, यहां भी व्हाट है, यहां भी व्हाट है, लेकिन ये व्हाट प्रोनाउन हो गया और ये व्हाट एडजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में? तो जहां भी, जिस भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा इनके बाद, ठीक है, अगर सिमिलर मैच कर रहा है तो हम नाउन और हेल्पिंग वर्ब देखेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा, और नाउन आएगा तो क्या जाएगा, वो हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल और देखते हैं, इससे और क्लियर करने का प्रयास करेंगे हम। विच इज योर फेवरेट बुक, विच इज योर फेवरेट बुक, विच बुक is yours, अब तुम्हारा फेवरेट बुक कौन सा है, ठीक है, और तुम्हारा कौन सा बुक तुम्हारा है। ठीक है, तो यहां भी विच है और यहां भी विच है, लेकिन इस विच के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया,
तो ये हो गया प्रोनाउन, और इस विच के बाद क्या हो गया? नाउन आ गया, तो ये आपका हो गया क्या? एडजेक्टिव। ठीक है, पूरा सीसी की तरह साफ है, आज के बाद से कभी भूलेगा ही नहीं। अगर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ रहा है तो सीधे प्रोनाउन बोल दीजिए उसको, और नाउन आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए इस पे आते हैं। अब एडवर्ब कैसे पहचानेंगे? एडवर्ब में क्या होता है कि काम करने का कंडीशन बताता है, ठीक है, कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, कैसे हुआ, कितना हुआ, ठीक है, किस तरीके के हुआ, कितनी बार हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? एडवर्ब में आती हैं, ठीक है। जैसे वाई, क्या हो जाएगा? वाई, तो वाई आर यू गोइंग, रीजन बता रहा है, वाई आर यू गोइंग। अब इसके बाद भी तुम्हारा क्या हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है ना, अब इसको तुम प्रोनाउन मत बोल देना, ठीक है, क्योंकि ये सब सारी चीजें प्रोनाउन में आती हैं और ये सारी चीजें एडवर्ब में आती हैं, लिखा हुआ पहले से ऑलरेडी, क्योंकि यहां पे जो कंडीशन बताएगा कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितना हो रहा है, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। अब यहां मत ही कंफ्यूज होना कि यहां पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है तो एडवर्ब है, और यहां पे क्या है, वहां भी हेल्पिंग वर्ब तो प्रोनाउन है, अंतर कैसे? व्हाट इज योर नेम? अब अंतर देखना बेटा, अंतर देखो, व्हाई आर यू गोइंग एंड व्हाट इज योर नेम, यहां पे कंडीशन है, शर्त है, रीजन है, ठीक है, यहां भी हेल्पिंग वर्ब है और यहां भी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आएगा तो प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब आ रहा है लेकिन वहां पर रीजन कुछ बता रहा है, कब, कहां, क्यों, कैसे की कंडीशन बता रहा है, तो वो आपका हो जाएगा क्या? एडवर्ब। तो यहां वाई पे जो कि कंडीशन बता रहा है तो ये आपका हो जाएगा एडवर्ब, और यहां पर कंडीशन नहीं है, व्हाट इज योर नेम सिंपल है, और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया है तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए, हाँ, प्रोनाउन, ठीक है। तो आप देख लो यार, व्हाट, विच, हु, हुम, हुज, ये आपके प्रोनाउन में आते हैं। अब देखो इसमें व्हाट है, नहीं है, विच है, नहीं है, क्या कहते हैं, हुज है, हुम है, नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या होगी आपकी, एडवर्ब में आती, दोनों अंतर, दोनों अलग अलग है, तो याद करना हो तो रट्टा मार लो, What, which, who, whom, whose, इनके बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो अब क्या हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। अब उनको निकाल दो, बच रहा है क्या, वाई, वेयर, वेन, हाउ, हाउ मेनी, इनके बाद, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आया तो क्या हो जाएगा आपका, आपका एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन 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 हाउ मेनी, हाउ मच, ठीक है, इनके बाद क्या होता है, लगभग लगभग हम भी नाउन का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हाउ मेनी बॉयज, ठीक है, हाउ मच वाटर, हाउ मच मनी, ठीक है, तो ये क्या है, नाउन आ रहा है, ठीक है, लेकिन फिर वही बात हमारी, ठीक है, फिर हमारी बात वही कि यहां पे हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ ऑफन यहां पे नहीं है, ठीक है, उसका अलग कैटेगरी है, वहां यहां बना हुआ है, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ फॉर, हाउ ऑफन, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर आएगी, हाउ मेनी, हाउ मच आएगा, ठीक है, तो यहां पर क्या कहता है, मात्रा बता रहा है, ठीक है, मात्रा बता रहा है, संख्या बता रहा है, तो नाउन आ रहा है तो इन तीनों के अलावा आ रहा है, ठीक है, तो इनके साथ नाउन आ जाएगा तो ये मत करना कि इनको भी तुम एडजेक्टिव बोल देना। हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी बॉयज, ठीक है, अब ये नाउन है, अब सर ने तो बताया था कि नाउन आएगा तो हम इसको एडजेक्टिव बोल देंगे, नहीं, यहां पे आप इसको एडजेक्टिव नहीं बोलेंगे क्योंकि इस हमारे ग्रुप में नहीं है ये, हाउ मेनी, व्हाट, विच, हूज है, हाउ मेनी इस ग्रुप में नहीं है, वो कहां आ रहा है, इस ग्रुप में आ रहा है। तो ग्रुप को सबसे मैंने डिवाइड कर दिया था, ग्रुप में कई अगर दोनों में आ रहे हैं तो यहां पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, यहां पे नाउन आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो प्रोनाउन, और यहां पे नाउन आएगा तो एडजेक्टिव, इसका ग्रुप ही अलग बटा हुआ है। इन सब यादों को आप, इन सब चीजों को आप रट लीजिए, ठीक है, इनके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो एडवर्ब होगा, ठीक है, क्योंकि इस ग्रुप में ये वाले नहीं है, ठीक है, इनके बाद अगर नाउन आ रहा है कोई बात नहीं, एडजेक्टिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इस ग्रुप में ये नहीं है, इनका अलग ग्रुप बना हुआ है, ठीक है, इसे आप अच्छे से याद करना है, ठीक है। दिक्कत होती है इसी में, इसमें व्हाट में, विच में, हुज में, ठीक है, व्हाट, विच, हुज यहां भी मिल जाता है और यहां भी मिल जाता है, ठीक है, ये तो इसका तो पूरा अपना अलग ग्रुप है, लेकिन यहां पे तीनों क्या होता है, इसका अलग ग्रुप मिल जाता है, उसका इसमें भी वो चीज मिल जाती है, तो दोनों में क्या होता है, कॉमन हो जाता है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो जाता है, तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आएगा तो प्रोनाउन हो जाएगा, और यहां पे नाउन आएगा तो क्या हो जाएगा, वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
क्लियर? कोई शिकवा शिकायत नहीं है ना? चलो हाँ, तो सबसे पहले ग्रुप को आप याद करेंगे, ठीक है? ग्रुप में अगर कोई कॉमन आ रहा है तब हम देखने का प्रयास करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है। क्लियर? चलिए तो होमवर्क लिखें, कैसे पता चलेगा कि हमने आज क्या सीखा? तो होमवर्क लिखिए आप, पांच ही दूंगा। पहला, ठीक है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। दूसरा, हाउ आर यू। तीसरा, विच फूड डू यू लाइक मोस्ट, ठीक है। चौथा, हाउ मेनी बॉयस आर सिटिंग इन द क्लास, आर सिटिंग इन द क्लास, ठीक है। तो मैं करना, ठीक है, व्हाट, चलो व्हाट कलर डू यू वांट, ठीक है। तो पहला क्या है, पहला क्या है, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, दूसरा क्या है, हाउ आर यू, तीसरा क्या है, विच फूड डू यू लाइक मोस्ट, चौथा क्या है, हाउ मेनी बॉयज आर सिटिंग इन द क्लास, ठीक है, और आखिरी क्या है, व्हाट कलर डू यू वांट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ये होमवर्क है, आप इसको इसमें करके बताएंगे ये कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, ज़्यादा लंबी वीडियो बनाने से कोई फायदा नहीं है यार, बैठोगे नहीं, देखोगे ही नहीं, लंबी वीडियो रहेगी तो छोड़ के भाग जाओगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आज हम इतना ही सीखेंगे, प्रोनाउन क्या था, एडजेक्टिव क्या था और एडवर्ब क्या था, और इसके साथ हम इस पांच एक्सरसाइज को करके आएंगे, नीचे सॉल्व भेजेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन भेजना है। जब आप नहीं करेंगे तो फिर आप कभी सीखेंगे नहीं, आज ऐसे खाली छोड़ देंगे बाद में कर लेंगे तो ये फिर संभव, तो आप सीख ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो मेहनत कीजिए, कठिन हार्ड वर्क हार्ड, ठीक है, चीज़ें आएंगी, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।